तो अब हम अब बात कर लेते हैं स्पेशल कोरिलेशंस की, क्योंकि चल रहा टॉपिक तो मैं सोच रहा हूँ इसी को खत्म कर लूँ। दो ये यूनिट बहुत बाद में आपके एमफिल वाले सिलेबस में है, बट चल रहा है तो एटलीस्ट इसको करते हैं। तो अदर इज बाई सीरियल कोरिलेशन, तो स्पेशल कोरिलेशन क्या, बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक, फाइव कोफिशियंस, है ना। तो ये आपके अदर कोरिलेशंस हैं। तो अब देखते हैं द पियर्सन कोरिलेशन स्पेसिफिकली मेजर्स डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टिल नाउ, जो भी आपका क्या कहते हैं आप लोगों ने अभी पढ़ा नेक्स्ट टू क्लासेस में। और आप में से जिसने भी क्लास नहीं अटेंड की है, पूरी की पूरी आपके सीनियर की क्लास ली थी मैंने, तो वहां पे मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप मल्टीपल टाइम वॉच करो। और हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम कम था, तो मैं आराम से एक एक कॉन्सेप्ट लेके उनको, आई थिंक ये उनके उसमें नहीं था तो मैंने नहीं भी बता, आई थिंक नहीं भी बताया होगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को बता देना, मैं ये भी अपलोड कर दूंगा आपको, आप लोगों के लिए, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं व्हेन एवर यू वॉन्ट। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, कर पाई आपने किसी वजह से, दो क्लास में रहेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग वगैरह करप्टेड भी हो जाती है और प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसकी वजह से, सो डोंट डिपेंड ऑन दैट थिंग, है ना। तो इट इज मोस्टली कॉमनली यूज मेजर ऑफ रिलेशनशिप एंड इज यूज विद डेटा फ्रॉम इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। तो पियर्सन कोरिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशनशिप देखता है, यूजली हम इसको रेशियो स्केल्स और इंटरवल स्केल्स के साथ यूज करते हैं। हाउएवर अदर कोरिलेशन मेजर हैव बीन डेवलप्ड फॉर नॉन लीनियर रिलेशनशिप ऑफ अदर टाइप्स ऑफ डेटा, यानी बाकी के जो रिलेशनशिप्स हैं वो जो मेजर करते हैं वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, एंड अदर टाइप्स ऑफ डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं बाई सीरियल एंड पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, तो पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। तो अब इनमें क्या क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, वो हम समझते हैं थोड़ा सा। कि बिफोर वी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बाई सीरियल एंड बाई सीरियल कोरिलेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द डाइकोटोमी एंड आर्टिफिशियल डाइकोटोमी। डाइकोटोमी मीन्स मतलब दो चीजें एकदम अलग अलग हैं। दिस कैन डाइकोटोमस वेरिएबल्स कैन आइदर बी आइदर ए डिस्क्रीट टू डाइक्रोमेटिक डाइकोटोमी और कंटिन्यूअस आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाइकोटोमस डाइकोटोमीज आर मेल एंड फीमेल, डेड और अलाइव। बिल्कुल, अब दो पोस्ट हैं, यही है डाइकोटोमस वेरिएबल, यही है। देर इज नो अंडरलाइंग कंटिन्यूम बिटवीन द ग्रुप, तो कोई कंटिन्यूम नहीं है कि मेल देन हाफ मेल देन फुल मेल देन फीमेल, ऐसा कोई कुछ है नहीं। तो यहाँ पे डाइकोटोमस चीजें हैं, एक चीज है या दूसरी चीज है। कंटिन्यूअस और आर्टिफिशियल डाइकोटोमीज आर दोज विच वी एज्यूम देयर टू बी अंडरलाइंग कंटिन्यूम, बट वी असाइन इंडिविजुअल टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑर्बिट्री क्राइटेरिया। तो हमने ये मान लिया कि वो तो बिल्कुल क्लियर कट है, जो आर्टिफिशियल नहीं है वो मतलब है ही मेल फीमेल डेड अलाइव, तो डाइकोटोमीज है वो है, इसमें हमने एज्यूम नहीं किया कुछ। लेकिन दूसरे तरीके का वेरिएबल है कि हमने एज्यूम कर लिया, कन्वर्ट कर लिया उसको, जैसे रैंक में उधर किया था, क्या हुआ कि हम मुझे पता है कि 50% पे पास करना है बच्चों को और 50 से कम होंगे तो फेल करना है, तो हमने दो डाइकोटोमीज क्रिएट कर ली, पास एंड फेल। बट अंडरलाइंग कंटिन्यूटी है वहां पर, किसी के 59 है, किसी के 49 है, आप किसी के 68 है, तो इस तरह से मार्क्स हैं। तो लेकिन सारे के चाहे 100 है या 68 है या 50 है, सब पास में कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट की डाइकोटोमीज, है ना। तो अब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल डाइकोटोमी आर पास आर फेल बेस्ड ऑन द कट ऑफ स्कोर्स और शॉर्ट और टॉल बेस्ड ऑन सम आर्बिट्री हाइट। ये हमने मान लिया 5 फुट से कम वालों को हम शॉर्ट बोलेंगे, 5 फुट से ऊपर वालों को हम
टॉल बोलेंगे। तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो ये इतना समझ में आया कि तो आर्टिफिशियल हो गया, दूसरा आंकड़ा हो गया जो जो रियल है ना, दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ क्रिएटेड वन। तो ए पॉइंट बाई सीरियल और बाई सीरियल कोरिलेशन इज यूज टू क्रिएट डायकोटोमी विद एन इंटरवल स्केल वेरिएबल। अब क्या होता है, पॉइंट बाई सीरियल एंड बाई सीरियल कोरिलेशन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कोरिलेशन इज यूज टू कोरिलेटेड डायकोटोमी विद एन इंटरवल स्केल। यानी कि एक डायकोटोमी किसमें क्रिएट करना होता है, इंटरवल स्केल जहां पे होते हैं। अब इंटरवल स्केल क्या होता है ये नहीं बताऊंगा मैं, ऑलरेडी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं और पढ़ाया भी है। द डिफरेंस इज दैट पॉइंट वाइज सीरियल कोरिलेशन इज यूज व्हेन द डायकोटोमस वेरिएबल इज इट ट्रू और डिस्क्रीट डायकोटोमी एंड बाई सीरियल कोरिलेशन यूज व्हेन आर्टिफिशियल डायकोटोमी। अब देखो क्या डिफरेंस है, याद रखना, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एमएमए में पढ़ाया जाता है बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल सब कुछ कराया जाता है। तो पॉइंट बाई सीरियल और बाई सीरियल में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक यूज होता है कहाँ पे, जहां पे रियल डायकोटोमी है, ट्रू है, और एक में क्रिएटेड है। ठीक है, तो पॉइंट क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सो ये नोट डाउन कर लो कहीं पे, दिमाग में नोट कर लो कि द डिफरेंस बिटवीन दैट द पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन इज यूज्ड व्हेन द डायकोटोमस वेरिएबल इज ट्रू। डिस्क्रीट डायकोटोमी जैसे मेल फीमेल डेड अलाइव दैट काइंड ऑफ थिंग। द बाई सीरियल कोरिलेशन इज यूज विद एन आर्टिफिशियल डायकोटोमी। आर्टिफिशियल मीन्स जो क्रिएटेड है, जैसे पास फील का हमने बना लिया, अंडरलाइन कंटिन्यूअस स्कोर्स हैं, लेकिन हमने उनकी कैटेगरीज बना दी। तो पॉइंट बाई सीरियल ट्रू जो डायकोटोमी है वहां डायकोटोमस वेरिएबल्स हैं वहां पे यूज होता है, बाई सीरियल वहां पे यूज होता है जहां पे आर्टिफिशियल डायकोटोमी होती है। ठीक है, सो ये दो ये मेजर मेन डिफरेंस है, ये याद रखना। द पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, या कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, नो डाउट। ठीक, द पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशियंट इज ए मेजर टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरली डायकोटोमस नॉमिनल वेरिएबल एंड एन इंटरवल और रेशियो। तो एक है डायकोटोमस जो नॉमिनल वेरिएबल है, यानी कैटेगरीज ही होती हैं ये, तो नॉमिनल हो गया, एंड दूसरा वेरिएबल है इंटरवल और रेशियो स्केल। अब इंटरवल रेशियो भी क्या होता है ये आपको पता है। तो फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर माइट वॉन्ट टू एग्जामिन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर है ना, एंड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जाम टेस्टिंग, पर्सुएशन स्किल्स एंड नॉलेज एज मेजर्ड बाय द स्कोर। तो अब आपको क्या हो गया कि आपके पास, अच्छा ये करते भी है, कोई भी स्टडी आप करोगे अगर आपको जेंडर डिफरेंसेस देखने हैं तो डायकोटोमस हो गया भाई। अगर आपको, आपने कोई स्टडी की और उस स्टडी में मान लिया आपने देखा एकेडमिक परफॉर्मेंस और आईक्यू जो हमेशा से लेते चले आ रहे हैं, उसका आपको देखना है क्या डिफरेंस है, और आप उस स्टडी में ये देखना चाहते हो कि मेल और फीमेल की परफॉर्मेंस में क्या कोई डिफरेंसेस हैं, तो एक वेरिएबल आपका हो गया डायकोटोमस हो गया, तो आप यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीच में मैंने दूसरी बात कर ली तो हम दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं। ए रिसर्चर माइट वॉन्ट टू एग्जामिन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, यानी मेल एंड फीमेल हो जाएगा, एंड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे होगी, वही चीज जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया सेम चीज यहाँ भी है, इन द फाइनल एग्जाम टेस्टिंग पर्सुएशन स्किल नॉलेज मेजर्ड बाय दिस। तो अब ये हमें देखना है, तो क्या हुआ, एक वो हो गया, एक स्कोर आ गया, आप ये आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। बाई सीरियल कोरिलेशन, RBIS इसको लिखते हैं हम, ठीक है ना, एंड इज ए कोरिलेशन इंडेक्स दैट एस्टिमेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिफिशियली डायकोटोमस वेरिएबल एक्स एंड ट्रू कंटिन्यूअस वेरिएबल वाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पास और फेल ऑन सेल्फ एस्टीम, वेयर द डायकोटोमस वेरिएबल पास और फेल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ ऑन एन आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया। यानी पास फेल आपने मान लिया कि जिसका 33% से कम है वो पास, जिसको और जो 33 से ऊपर है या 50 से ऊपर है वो
नीचे है फेल या पास, हमने डिसाइड कर लिया उसके। तो ये देखिए दिस इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, तो वहां पे बाई सीरियल हमें यूज करते हैं, ठीक है।